पोर्ट्रेट ड्राइंग में फेस के एक्सप्रेशंस को सही से दिखाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आईज को सही से ड्रॉ करना, और आईज का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आईब्रोज। और बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि वो आई ड्राइंग में आईब्रोज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसको जल्दी जल्दी जो एक सबसे ज़्यादा सिंपल पैटर्न होता है उसी में ही इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, जिस वजह से पोर्ट्रेट में वो एक्सप्रेशंस शो नहीं हो पाते जो रेफरेंस फोटो में होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आईब्रोज को सही से रियलिस्टिकली ड्रॉ करने के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले के दो पार्ट्स में मैंने आपको आउटलाइंस के बारे में और आई ड्रॉइंग के बारे में काफी कुछ सिखाया है रियल टाइम में, तो अगर आपने वो दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो आप उन दोनों पार्ट्स को भी जरूर देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। किसी भी फोटो में एक्सप्रेशंस के चेंज होते ही आईज के साथ साथ आईब्रोज की शेप भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, हेयर की डायरेक्शन और लाइट और शेडोज सब कुछ चेंज हो जाता है, और इन्हीं सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके बिगिनर हर एक ड्राइंग में बस इसी तरह से सेम तरीके से आईब्रोज को ड्रॉ करते हैं और इसी वजह से उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो अगर आप अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग में एक्सप्रेशंस को सही से दिखाना चाहते हो तो आपको आईज के साथ साथ आईब्रोज को भी अच्छे से ड्रॉ करना सीखना होगा। तो इसके लिए हम हमेशा की तरह सबसे पहले रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हमें हेयर की डायरेक्शन को समझना होगा। आप देखो इसमें सारे के सारे हेयर एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में नहीं है, हेयर की डायरेक्शन स्टार्टिंग में अलग है, मिड में थोड़ी अलग है, और लास्ट में आप देखो तो यहाँ पे भी अलग है, ऊपर की तरफ है थोड़ी इस तरह से। दूसरी चीज होती है हेयर की थिकनेस। आप देखो हेयर की थिकनेस में भी फर्क है, कुछ हेयर पतले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ हेयर जहां से स्टार्ट होते हैं वहां से मोटे हैं और एंड्स में पतले हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। आपको ड्रॉ करते टाइम भी इनको ऐसे ही ड्रॉ करना होगा, जहां से हेयर थिक हैं वहां से आपको थिक ड्रॉ करना होगा, जहां पे हेयर थिन है वहां पे आपको थिन ड्रॉ करना होगा। उसके बाद बारी आती है लाइट और शेडोज की, मतलब टोनल वैल्यूज की। अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऊपर ऊपर के हेयर हैं सबसे ज्यादा थिक वाले वो सबसे ज्यादा डार्क हैं, और जो सबसे पतले हेयर हैं यहाँ स्टार्टिंग में या फिर यहाँ ऊपर की साइड जो हैं वो काफी ज्यादा लाइट हैं, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे हाइलाइट्स भी हैं। और इन सब के अलावा एक गलती बिगिनर और करते हैं कि वो हेयर के नीचे जो स्किन है उसको भी नज़रअंदाज करते हैं। आपको इसको भी रेफरेंस फोटो के हिसाब से ही डार्क या फिर लाइट बनाना होगा। हेयर की वजह से इस स्किन पे शेडोज बनती हैं और यहाँ डार्क टोन्स बनती हैं, इसीलिए हमें इसे भी डार्क बनाना होगा, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको अपनी इस ड्राइंग में अप्लाई करके दिखाऊंगा। वीडियो रियल टाइम में है तो आपको आराम से इसे देखना है और ऑब्जर्व करना है कि मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों को अपनी इस शेडिंग प्रोसेस में अप्लाई करता हूँ, और इस तरह से आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीख सकते हो। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल को यूज़ करके डार्क वैल्यूज वाली चीज़ों को ड्रॉ करूँगा, जैसे कि ये जो थिक हेयर हैं इनको मैं वैसे ही जहाँ पे ये थिक हैं वहाँ पे थिक दिखाऊंगा और जहाँ पे थिन है वहाँ पे थिन दिखाऊंगा। स्टार्टिंग में आप देखो ये हेयर थिक हैं तो मैं पेंसिल को पहले ही काफ़ी ज़्यादा शार्प कर चुका हूँ, और इस तरह से मैं इन हेयर को रेफरेंस फ़ोटो में जो डायरेक्शन है इनकी उसी डायरेक्शन में उसी फ्लो में इनको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे बिगिनर्स क्या करते हैं कि इन हेयर्स को फ्लो में ड्रॉ नहीं करते, वो पेंसिल को काफ़ी रोक रोक के इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हेयर में फ्लो नज़र नहीं आता और वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगते हैं। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप इन हेयर को फ्लो में ड्रॉ करने की कोशिश करो, और डार्क वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद मैं वैसे ही जैसे मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोज़ में बताया था के ग्रेफाइट पेंसिल्स को यूज़ करके मिड टोन्स और लाइट टोन्स को ऐड करूँगा। मिड टोन्स के लिए मैं वही 8B, 6B और 4B पेंसिल यूज़ करूँगा। लाइट टोन्स अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत हैं तो उसके लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ करूँगा, और रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से साथ साथ ऑब्जर्व करके मैं इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करूँगा।
और ब्लेंड करते टाइम भी मैं ब्रश पे बहुत ही हल्का प्रेशर यूज़ करूँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मैं इन हेयर को बहुत ही ज़्यादा ब्लेंड कर दूँ। हमें इनमें थोड़ी वॉल्यूम को दिखाना है, तो हम इनको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे, हम इनको इसी तरह से थोड़ा डार्क सा रहने देंगे।
तो अब आप देख सकते हो कि मैं इस आईब्रोज की ड्राइंग को कंप्लीट कर चुका हूं और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रेफरेंस फ़ोटो के साथ हम इसे मैच करें तो हमने टोनल वैल्यूज़ को काफ़ी हद तक मैच कर लिया है। और आप देखोगे कि मैंने वाइट जेली रोल पेन के साथ हाइलाइट्स को ऐड किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रही हैं। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स का इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आईब्रोज भीगी हुई हैं, तो इस चीज़ में हम सक्सेसफुल रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के, इन्हीं सारी चीज़ों को अपनी ड्राइंग में अप्लाई करके अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग में एक्सप्रेशंस को अच्छे से दिखा सकते हो, आईज़ को और आईब्रोज़ को सही से ड्रॉ करके। तो आई होप इस वीडियो से भी आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने कुछ नया सीखा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो अपने आर्ट में इंटरेस्ट रखने वाले दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले पार्ट्स के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो अब हम मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।